दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल टेक्नो रेंज में। स्टार मेकर पे दो अपडेट आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसी दो अपडेट के बारे में। ये अपडेट पहले ही आ चुके हैं, लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक पे काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि भाई आप इस पे वीडियो बनाएं, थोड़ा सा इसके बारे में समझाएं। इसलिए यहाँ पे इस पे वीडियो बना रहा हूँ और अपडेट आपका पहले ही आ चुका है इससे रिलेटेड। और गाइज, हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ ऐसे ही स्टार मेकर से रिलेटेड बनाते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस नहीं करें। साथ ही साथ अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से गाइस ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पे आप सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे एडमिन आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे गाइस, जो अभी फ्रेंडशिप स्पेस का जो नया कनेक्शन बैज आया है, ये चेंज हुआ है थोड़ा सा लुक वाइज। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा लुक जो है ये वेस्टी का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे पार्टनर का जो हर्ट होता था कनेक्शन वाला, वो भी बहुत अच्छे से चेंज हुआ है। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो है चेंज हुई। साथ ही साथ यहाँ पे जो है अभी बडी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपको कॉन्फिडेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और वेस्टी का ऑप्शन तो है ही है। और यहाँ पे साथ ही साथ आप जो है यहाँ पे पार्टनर बना सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको पार्टनर का ऑप्शन जो देखने को मिलता था, वो अभी आपका सोलमेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप अपने सोलमेट को ऐड कर सकते हैं। पहले गाइस, सोलमेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ कॉइन्स देने होते थे, लेकिन अभी वो सब कॉइन्स यहाँ पे नहीं देने होते। किसी भी कॉइन्स का गिफ्ट नहीं देना होगा। आप अगर किसी को सोलमेट बनाना चाहते हैं, अगर वो आपके फ्रेंडशिप स्पेस में ऑलरेडी एडेड है, तो आप उसको डायरेक्टली जो है यहाँ से सोलमेट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कोई भी यहाँ पे कॉइन्स का जो है आपको गिफ्ट जो है प्रपोजल गिफ्ट सेंड करने की ज़रूरत अभी नहीं है इस नए अपडेट में। तो यहाँ पे इनवाइट योर सोलमेट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगी वेस्टी की, बडी की, कॉन्फिडेंट की। तो जिसको भी सेंड करना है, आप सिंपली इनवाइट पे क्लिक करेंगे, उसको मैसेज चला जाएगा, वहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे गाइज, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज, आपको कुछ डेकोरेशन कार्ड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं चेरिश्ड कार्ड है, ये कार्ड्स आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है गाइज, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स, मीन्स आपका जो यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए, फैमिलिटी होनी चाहिए, फैमिलिटी वैल्यू वो आपका यहाँ पे 3000 पॉइंट्स से ज़्यादा होना चाहिए, तब आपको ये वाला ड्रीम लाइक वाला कार्ड मिलेगा। अगर आप जो है यहाँ पे 2000 से ज़्यादा कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको ये वाला कार्ड देखने को, ड्रीम लाइक देखने को मिलेगा। तो ये जो चेरिश्ड कार्ड है गाइज, ये आप जो अपने फ्रेंडशिप स्पेस को और ज़्यादा डेकोरेटिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो फ्रेंडशिप स्पेस का बैकग्राउंड होगा वो इसी टाइप का हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप इसको कंप्लीट करें। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो है आपने जो गिफ्ट सेंड किया है, वो गिफ्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, कितने कॉइन्स का गिफ्ट किस किस को आप, मतलब अपने वेस्टी को आपने जो सेंड किया है, उसने आपको जो सेंड किया है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लेसिंग का आपको रैंकिंग देखने को मिल जाएगा, किसने क्या गिफ्ट आपको सेंड किया है। और यहाँ पे आप गिफ्ट सेंड भी कर सकते हैं अपने फ्रेंडशिप स्पेस में। साथ ही साथ यहाँ पे अगर कोई मैसेज आप लीव करना चाहें अपने फ्रेंडशिप स्पेस में, तो यहाँ पे मैसेज बोर्ड में जाके आप लीव कर सकते हैं। यहाँ पे आप एनी वन कैन कमेंट, ओनली फ्रेंड्स कैन कमेंट भी लगा सकते हैं, मीन्स जो भी चाहे कमेंट कर सकता है, या केवल आपके फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, उसको यहाँ पे सेटिंग्स में अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो कुछ यही अपडेट था नए फ्रेंडशिप स्पेस के बारे में। तो गाइज, जो दूसरा अपडेट आपका आया है, ये आपका है पार्टी रूम में। पार्टी रूम में आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक प्रोग्राम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ये जो प्रोग्राम है गाइज, यहाँ पे आप जो है अपना खुद का प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे के क्रिएटेड प्रोग्राम्स आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे माइंड के ऑप्शन पे आपको क्रिएटेड प्रोग्राम आपके देखने को मिल जाएंगे, इंटरेस्टेड आप जिसमें होंगे वो भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक सिलेक्टेड का ऑप्शन है, सिलेक्टेड के ऑप्शन पे जब भी आप जाएंगे तो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे, अलग अलग लोगों ने क्रिएट किए होंगे, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आखिर में ये प्रोग्राम है क्या, तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो क्रिएट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके रूल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जो है, अगर आपका पार्टी रूम 3 लेवल से अबव है, तो मींस आपके पार्टी रूम का लेवल जो होना चाहिए वो 3 से अबव होना चाहिए, तभी आप जो है ऑफिशियल प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अब गाइज, ये प्रोग्राम का मकसद यही है कि जैसे बहुत सारे लोग अपने पार्टी रूम में सिंगिंग कंपटीशन रखते हैं, या कुछ अलग कंपटीशन रखते हैं, या कुछ अलग थीम रखते हैं, तो वो यहाँ पे जो है अपना एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे यूज़र्स को जल्दी से जल्दी उसके बारे में बता सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका रूम जो होगा वो रीच होगा, मीन्स लोगों तक पहुँचेगा, जिससे लोग उसको ज्वाइन करेंगे और रूम में इससे रीच आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम का नेम रखना होगा कि आप किस रीज़न से, मतलब आपके प्रोग्राम जो आप बना रहे हैं वो उसका नाम क्या है। जैसे सिंगिंग कंपटीशन का बना रहे हैं तो आप यहाँ पे उसका नाम डाल सकते हैं।
स्टार्ट टाइम डाल सकते हैं, कितने कब से स्टार्ट होने वाला है, इन टाइम आपका क्या है प्रोग्राम का वो डाल सकते हैं। इवेंट का डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको लिखना है कि भाई आप प्रोग्राम जो बना रहे हैं इसमें रूल क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कैसे यूजर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वो सारा कुछ डिटेल्ड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जिससे लोगों को आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। इसके बाद में गाइस यहाँ पे अपलोड कवर इमेज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप जो है कवर इमेज एक अपलोड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम का, थीम का, तो ये सारा कुछ अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ गाइस यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपना फिल कर देना होगा कि लोग आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज फिल इन योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू इन फ्यूचर। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम लिस्ट आप और कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं प्लस और कहाँ से देख सकते हैं, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा सिंपली अपने पार्टी रूम, पार्टी के ऑप्शन पे। तो पार्टी के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है प्रोग्राम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको प्रोग्राम के ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे जो भी क्रिएटेड प्रोग्राम होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से भी आप जो है अपना प्रोग्राम जो है क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। तो आप जो है अलग अलग जगह से जो अपना प्रोग्राम जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। यही था कुछ दो नए अपडेट। आपको कौन सा अपडेट अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कमाल की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।